अदानी విషయంలో రాహుల్ గాంధీ చేసిన విమర్శలపై మోదీ తనదైన శైలిలో స్పందించారు. రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై చర్చలో భాగంగా మోదీ విమర్శలు చేశారు. కాంగ్రెస్ పాలనతో మనం దశాబ్ద కాలాన్ని కోల్పోయామని ప్రధాని దుయ్యబట్టారు. వారి హయాంలో జరిగిన కుంభకోణంతో దేశం పరువుపోయిందన్నారు. లోక్సభలో ప్రసంగించిన ఆయన ప్రతిపక్ష నేతలపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे. चुनौतियों के बिना जीवन नहीं होता है, चुनौतियां तो आती है, लेकिन चुनौतियों से ज्यादा सामर्थ्यवान है 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा. अनेकों देशों में अस्थिरता का माहौल है कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था, 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाले. वही 10 साल यूपीए के, वो 10 साल कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा. जब टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे, मौका मुसीबत में सिविल न्यूक्लियर डील हुआ. जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी तब ये कैश फॉर वोट में फंसे रहे, ये खेल चले. आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, भारत को दुनिया के सामने भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया. मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ, मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है. जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है. जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है.